अगर आप माता रानी के प्रसाद का भोग बनाना चाहते हैं या फिर आप व्रत में कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो फल से बनी हुई इस मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, साथ में ये हेल्दी भी है और इसे बनाने में मात्र 10 मिनट का समय भी लगता है और इसे बनाना बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। इसका स्वाद मार्केट में मिलने वाले लड्डू पेड़े को भी फेल कर देता है। एक बार इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देर ना करते हुए चलिए हम इस रेसिपी को बनाते हैं। तो इसके लिए हमने लिए यहाँ पर 3 सेब, ये वज़न में 500 ग्राम के लगभग है। तो फ्रेंड्स हम पहले छिलके इसके उतार लेते हैं। छिल करके हमने सेब को पहले से ही वॉश करके अच्छे से पोंछ लिया था, तो इसका हम छिलका उतार लेते हैं और इसे अच्छे से छील लेते हैं। हम सारे सेब के छिलकों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे सेब के भी छिलके उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पर सेब के सारे छिलकों के छिलके निकाल लिया है। अब हम इसे ग्रेट कर लेते हैं ग्रेटर से। तो फ्रेंड्स जब आपको ये रेसिपी बनानी है तभी आप सेब को तुरंत ग्रेट करिए, नहीं तो इसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क होने लगता है। तो आपको जब बनानी हो रेसिपी तब आप तुरंत सेब को ग्रेट करिए और तुरंत रेसिपी को बनाइए। तो हम इसे अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। हमें इसे अच्छे से ग्रेट करना है ताकि जो इसके बीज होते हैं वो ग्रेट ना हो पाए। ऐसे घुमा घुमा कर हम सेब को ग्रेट करेंगे ताकि जो हमारे बीज है उसके सेब के वो बीच में ही रह जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे ग्रेट कर लिया है और ये जो बीच वाला भाग है इसे हम ऐसे ही निकाल देंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरे सेब को भी ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो एप्पल है वो ग्रेट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी थोड़ा चेंज होने लगा है। तो चलिए हम फटाफट इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने गैस पे एक कढ़ाई रख ली है, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। अब फ्रेंड्स हम इसमें ग्रेट किया हुआ एप्पल भी डाल देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे ताकि जो हमारे एप्पल का जूस है वो अच्छे से सूख जाए। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे ताकि साथ में एप्पल भी पक जाए और इसका जो जूस है वो भी सूख जाए। तो हम इसे 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। फ्रेंड्स फ्लेम आप एकदम हाई मत करिएगा, नहीं तो जो एप्पल है वो जल जाएंगे और ये अच्छे से पक भी नहीं पाएगा। तो फ्लेम मीडियम ही रखना है हमें। तो अब जब तक हमारा एप्पल जो है वो पक रहा है और इसका जो जूस है वो सूख रहा है तब तक हम इसकी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर 1/2 कटोरी के लगभग मूंगफली लिया है जिसको हमने रोस्ट करके इसका छिलका उतार लिया है। तो हम इसे मिक्सर जार में डाल करके पीस लेते हैं और इसका पाउडर फॉर्म तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा एप्पल का जूस था वो भी सूख गया है। तो अब इसमें हम 1 कटोरी चीनी डाल लेते हैं, ये लगभग 150 ग्राम की लगभग चीनी है। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं। तो इसमें हम चीनी डाल देते हैं और इसे चीनी को जो है वो मेल्ट होने देते हैं। अब हम इसे चला लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा चीनी है वो मेल्ट होने लगा है। तो हम वापस से इसे मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे ताकि जो चीनी है वो जल्दी गल जाए और ये थोड़ा और ड्राई हो जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा चीनी था वो एकदम चाशनी फॉर्म में आ गया है और ये अब थोड़ा सूख भी गया है। तो अब हम इसमें मूंगफली का पाउडर डालेंगे जिसको कि हमने पीस लिया था। तो इसमें हम मूंगफली का पाउडर डाल देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें नारियल का बूरा डालेंगे। अगर आप नारियल का बूरा नहीं डालना चाहते हैं तो जो नारियल का गोला आता है आप उसे भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। इसे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप गरी के बूरे को ज़रूर डालें। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एप्पल था वो एकदम ड्राई होने लगा है। तो इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं ताकि हमारा मूंगफली का पाउडर और जो गरी के भूरे हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे ताकि ये नीचे से पकड़े नहीं। तो फ्रेंड्स ये अब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और थोड़े पहले से ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं। तो अगर आप इसका हलवा खाना चाहते हैं तो आप इसी स्टेज पे इसको निकाल लीजिए। अगर आप इसे जमाना चाहते हैं तो इसे और भूनिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 1 छोटी कटोरी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो डाल देंगे और फ्लेवर के लिए हमने इसमें डाला है इलायची पाउडर। तो अगर आप इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये चीज़ें ऑप्शनल है।
तो हम इसे अच्छे से वापस से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम गैस का जो फ्लेम है वो एकदम लो कर देंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो कढ़ाई के नीचे का है वो छोड़ने लगा है, और अगर आपने नॉनस्टिक का कढ़ाई यूज़ किया है तो वो एकदम से निकल जाएंगे। अगर आप किसी और कढ़ाई का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से किनारे से हल्के से चिपक जाएंगे, तो आप उसे कलछे की सहायता से निकाल सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये नीचे से थोड़ा वाइट वाइट होने लगा है, इसका मतलब है कि हमारा जो ये बर्फ़ी है वो जमने की कंडीशन में हो चुका है। तो इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए और भी भून लेते हैं अच्छे से, ताकि हमें इसमें बाद में कोई परेशानी ना हो। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए हम इसे जमा लेते हैं। यहाँ पर हमने एक थाली ले लिया है, आप चाहे तो इसे डायरेक्ट थाली पर ऑयल लगाकर जमा सकते हैं, या फिर आप इस पर फॉल पेपर का यूज़ कर लें, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसे हमें निकालने में आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ पर फॉल पेपर का यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं थाली पर अच्छे से सेट करके थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये थाली पर सेट हो चुका है, तो अब मैं इस पर कढ़ाई से निकाल करके बर्फ़ी को जमाऊँगी। तो इसे हम निकाल लेते हैं। जो एक्स्ट्रा हमारे स्पून में चिपका हुआ है उसे भी मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ और इसे अच्छे से सेट कर लेती हूँ। स्पून में आप थोड़ा सा घी लगा करके इसे सेट कर लीजिए। फ्रेंड्स मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसे अच्छे से सेट कर लेती हूँ, ताकि ये जल्दी और अच्छे से सेट हो जाए। आप इसे सावधानी से करिएगा क्योंकि ये अभी गर्म है। तो मैं इसे चारों तरफ से एक बड़े वाले बर्फ़ी का शेप देती हूँ, ताकि हम जब इसको काटें तो हमारा जो एक्स्ट्रा अलग से बर्फ़ी निकल जाता है वो ना बचे और ये स्क्वायर शेप में आराम से कट जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से सेट हो चुके हैं और ये अभी से देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं इसे कुछ टाइम के लिए ठंडा कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख करके ठंडा कर सकती हैं। अब फ्रेंड्स ये अच्छे से सेट हो चुके हैं और ये ठंडा भी हो चुका है, तो अब हम इसे चाकू से कट कर लेते हैं। आप अपने मनपसंद का कोई भी शेप इसे दे सकते हैं, मैं यहाँ इसे स्क्वायर शेप में काट लेती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है और मुंह में जाते ही एकदम से घुल जाता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके घर पे कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो आप भी इसे फटाफट बना के खिला सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में बन जाता है, इसमें मेहनत भी नहीं है। तो मैं इसे आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो आप देख सकती हैं कि ये कितना सॉफ्ट बना है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ये मुँह में जाते ही एकदम से घुल जाता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे एप्पल की बर्फ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। मैं इसे और भी बढ़िया देखने के लिए ऊपर से घरी के भूरों को भी डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकती हैं, या फिर आप इसकी जगह कोई और ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स ये आप अपने बच्चों को भी खिला सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है और ये फ्रूट्स का बना होता है, क्योंकि अक्सर हमारे जो बच्चे हैं वो फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारे बच्चे फ्रूट्स भी खा लेंगे और वो खुश भी हो जाएंगे कि हमने मिठाई खा ली है। तो फ्रेंड्स अगर आपको प्रसाद बनाना है या व्रत में भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी इसे खिला सकती हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही एनर्जी वाली रेसिपी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ फ्रेंड्स, ट्राई करने के बाद आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।